अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर सरकारी कर्मचारियों के कामों का मूल्यांकन किया जा सकता है, तो सांसद, विधायक, यहां तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के काम का मूल्यांकन क्यों नहीं किया जा सकता? क्या आप अपना मूल्यांकन करवाएंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार का मूल्यांकन कर दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश सरकार को 10% भी नहीं मिलेगा। आप तो 60% की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना खुद का मूल्यांकन करवाइए कि पिछले 3 साढ़े 3 सालों में आपने प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया है, इस बात का मूल्यांकन करिए। इसके बाद आप विधानसभा में घुसिए। और अगर संविदा पर रखने से देशभक्ति आती है, कार्य कुशलता आती है, तो आपको भी क्यों ना संविदा पर रखा जाए? क्यों, कैसा रहेगा? आप भी देशभक्त बन जाएंगे, अभी आप देशद्रोही हैं। ये आप ही का तर्क है ना? मुख्यमंत्री जी, अगर आप सच में चाहते हैं कि बदलाव हो, तो इस बदलाव से कोई दिक्कत नहीं है। इस बदलाव के साथ साथ आप खुद पर भी ये नियम लागू करिए कि मूल्यांकन आपका भी हो और प्रधानमंत्री का भी होगा, साथ साथ राष्ट्रपति का भी होगा, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबका मूल्यांकन होगा। नमस्कार, जनहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप इस तस्वीर पर गौर करें। ये तस्वीर किसी फिल्मी कलाकार की नहीं, जिसको वोटों में तब्दील किया जा सके, जिसकी मौत को बेचकर चुनाव लड़ा जा सके। ये तस्वीर एक हिंदुस्तान के आम युवक की है, जो बस्ती जिले का रहने वाला था और इलाहाबाद में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था। जी हाँ, इस युवक का नाम था राजीव चौधरी। इसकी गलती इतनी थी कि इसने अपनी पढ़ाई के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी पाने की इच्छा को पाला था। बदकिस्मती से अब ये हमारे बीच नहीं रहा। बदकिस्मती सिर्फ उसकी नहीं, हमारे समाज की भी है कि हमने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, इस युवक ने आज से एक दिन पहले, मतलब शनिवार को, आत्महत्या कर ली, अपने उसी कमरे में जिस कमरे में ये घंटों पढ़ाई करता था। मैं ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वो इसकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि इस समाज और इस सरकार ने इसे जीने नहीं दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के समूह ख और ग के कर्मचारियों के लिए, जो प्लान कर रही है सरकार, जिसके तहत 5 साल तक उन्हें संविदा कर्मी की तरह काम करना होगा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, वो चाहती क्या है? क्या वो चाहती है कि प्रदेश के सभी युवक राजीव चौधरी की तरह फांसी पर झूल जाएं? मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री से भी कि क्या आप कभी प्रतियोगी छात्र रहे हैं? नहीं रहे हैं, ये मैं जान सकता हूं, क्योंकि अगर आप रहे होते तो इस तरह की घटिया सोच आपके दिमाग में कभी नहीं आती। क्या आप जानते हैं कि प्रतियोगी छात्रों का जीवन कैसा होता है? वो किसी नर्क से कम नहीं होता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी प्रतियोगी छात्र रहा हूं, मुझे मालूम है कि किस तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। अगर सुंदर भविष्य की लालसा मन में न हो, तो कोई भी व्यक्ति एक दिन के लिए भी प्रतियोगी छात्र का जीवन जीना नहीं चाहेगा। अरे, एक बार खाना बनता है तो तीन तीन चार चार टाइम तक खाया जाता है। जाड़ों में तो सब्जी बनती है, 3 दिन 4 दिन तक बासी सब्जी खाई जाती है, बस इसलिए कि जो समय खाना बनाने में बर्बाद होगा, उसे बचाकर हम पढ़ाई कर सकें। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको तो बैठे बिठाए खाने की आदत है। मठ में थे तो चेले चपाटे खिलाते थे, अब सरकारी भोजन पे पल रहे हैं। और बाल बच्चे वाले होते तो आपको मालूम होता कि माँ बाप किस तरह से पैसे का जुगाड़ करके बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, कितनी मुश्किल से खर्चा चलता है उनका। ये सब आपके पास नहीं है, इसलिए आप इतने संवेदनहीन हो चुके हैं। अब आते हैं उस खबर की तरफ, जिसने सुबह से उत्तर प्रदेश में कोहराम मचा कर रखा है। जी हाँ, वही खबर जिसके तहत सरकार समूह ख और ग के अभ्यर्थियों को, कर्मचारियों को, 5 साल तक, जी हाँ 5 साल तक संविदा कर्मी बनाने की तैयारी कर रही है। 5 साल तक अब संविदा पर रहेंगे, कुल मिला के कह लीजिए कि प्राइवेट नौकर रहेंगे, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। अब देखिए, इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि होना क्या है। कायदे से सुनिएगा आप लोग और देख लीजिए कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। अगली बात यह है कि हर 6 महीने पर मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन आपका अधिकारी करेगा, और अधिकारी मूल्यांकन करेगा तो क्या करेगा आप जानते हैं। हर बार मूल्यांकन में आपसे घूस की डिमांड की जाएगी, या फिर आप उनके तलवे चाटेंगे, यही होगा।
साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हर साल आपको 60% मार्क्स गेन करना होगा, मतलब मूल्यांकन में आपको 60% नंबर मिलेगा तो आपकी नौकरी बनी रहेगी, अन्यथा आप सेवा से बाहर। ऐसा तो प्राइवेट जॉब में भी नहीं होता। अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर सरकारी कर्मचारियों के कामों का मूल्यांकन किया जा सकता है तो सांसद, विधायक, यहां तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के काम का मूल्यांकन क्यों नहीं किया जा सकता? क्या आप अपना मूल्यांकन करवाएंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार का मूल्यांकन कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार को 10% भी नहीं मिलेगा। आप तो 60% की बात कर रहे हैं। अगर आप कर्मचारियों का मूल्यांकन हर 6 माह पर चाहते हैं तो अपने लिए भी ये नियम बनाइए कि हर विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सब का भी मूल्यांकन 6 माह में होना चाहिए और उनके लिए भी 60% मार्क्स अनिवार्य हो। अगर वो भी ये नहीं पाते हैं तो उनको भी तत्काल बर्खास्त किया जाए, उनकी जगह कोई और आएगा। सबसे पहले आप अपना खुद का मूल्यांकन करवाइए कि पिछले 3-3.5 सालों में आपने प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया है, इस बात का मूल्यांकन करिए। इसके बाद आप विधानसभा में घुसिए। हर 6 महीने की इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर 5 साल तक, मतलब 10 बार आपका मूल्यांकन किया जाएगा 5 साल में, और 5 साल आप लगातार 60% से ऊपर मूल्यांकन में आपको नंबर मिलेंगे तो आपकी नौकरी पक्की होगी, अन्यथा आप बाहर। मतलब 5 साल सर्विस के बाद भी आपको बाहर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी, अगर आप सच में चाहते हैं कि बदलाव हो तो इस बदलाव से कोई दिक्कत नहीं है। इस बदलाव के साथ साथ आप खुद पर भी ये नियम लागू करिए कि मूल्यांकन आपका भी हो और प्रधानमंत्री का भी होगा, साथ साथ राष्ट्रपति का भी होगा, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबका मूल्यांकन होगा। इस व्यवस्था के पक्ष में जो तर्क दिया जा रहा है सरकार के लोगों द्वारा, वो सुनिए क्या है। ये कह रहे हैं कि इससे राज्य कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने, नैतिकता, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता के मूल्यों का विकास करने में मदद मिलेगी, देशभक्ति बढ़ जाएगी। मतलब जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो देशद्रोही होते हैं, आप उन्हें संविदा पर रख देंगे तो वो देशभक्त हो जाएंगे। गजब का दिमाग लगाते हो भाई, दिमाग में गोबर भर गया है, गोमूत्र का प्रचार करते करते गोबर भर गया है दिमाग में तुम्हारे। और वो लोग जो इनको समर्थन देते हैं, अंधभक्ति करते हैं, उनके दिमाग में क्या हो गया है? देशभक्त होने के लिए प्राइवेट नौकरी करना जरूरी है क्या? अगर कम तनख्वाह मिलने से कार्य कुशलता आए तो तनख्वाह ही बंद कर दीजिए, फिर और ज्यादा कार्य कुशलता आ जाएगी, फिर ये संविदा की नौकरी भी बंद कर दीजिए, बेरोजगारी और बढ़ने दीजिए, लोग और राष्ट्रभक्त हो जाएंगे, देशभक्त हो जाएंगे। और अगर संविदा पर रखने से देशभक्ति आती है, कार्य कुशलता आती है, तो आपको भी क्यों ना संविदा पर रखा जाए? क्यों, कैसा रहेगा? आप भी देशभक्त बन जाएंगे, अभी आप देशद्रोही हैं, ये आप ही का तर्क है ना। मेरी देश भर के युवाओं से ये अपील है कि जागिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, वरना हिंदू मुसलमान करते करते सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी बेरोजगारी का जो आलम है ये और बढ़ने वाला है, अभी अगर नहीं जागे तो ये सरकारें आपको गुलाम बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।